पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, सारे परिवार के आदरणीय सदस्य हैं। खंगार सिंह जी ने पिछला चुनाव लड़ा, हम कंधे से कंधे मिला, कंधे से कंधे, आप भी दावेदार थे, मैं भी दावेदार था। खंगार सिंह जी की टिकट होते ही मैंने तुरंत जाकर के उनको माला पहना करके 20 दिन की कैंपेनिंग में, रात को भी मैं उनके घर ही रहता था, 24 घंटे उनके घर रहता था, मेरी टेलीफोन पर बात हुई है। खंगार सिंह जी निश्चित रूप से एक बड़े भाई के नाते मुझे आशीर्वाद देकर के मेरे साथ हो जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप भी माला बनाने अभी जाएंगे? जाऊंगा निश्चित रूप से, मेरे बड़े भाई है, क्यों नहीं जाऊंगा, मेरे मार्गदर्शक है। रविंद्र से भी बातचीत करेंगे? मेरा छोटा भाई है, रविंद्र सिंह को मनाने की मेरी जिम्मेदारी है और उसको मनाऊंगा। आप देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ने और विधानसभा स्तर पर अमीन खान ने SC ST को गालियां देना, महिला को गालियां देना, जातिगत टिप्पणियां करना, किसी को कुत्ता कहना, किसी को कचरा कहना और किसी को किन्नी कुम कहना, और SC ST महिलाओं के प्रति ऐसी टिप्पणियां करना कि मैं मेरे मुंह से कह नहीं सकता, ऐसे बहुत सारे वीडियो भी चल रहे हैं। फिर उन्होंने संविदा पर बहुत सारे संप्रदाय विशेष के जो कर्मचारी लगाए हैं वो भी उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। फिर उन्होंने जगह जगह सड़कें और जल की लाइट की जो जहां व्यवस्था की है, केवल तुष्टिकरण के आधार पर व्यवस्था की है, वो भी सबके सामने है, जनता जान चुकी है। लेकिन वो कहते हैं, अब देखिए स्वरूप सिंह खाड़ा का जबरदस्त तरीके से स्वागत। स्वरूप जी, बड़ी जिम्मेदारी मिली है एक साल भर के अंदर, दूसरी बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा ढोल बंद करो, बोलो 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 स्वरूप जी, एक साल के अंदर दूसरी बड़ी जिम्मेदारी। एक मिनट बा, एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पुष्ट करने वाला राजनीतिक दल है। समूचे देश में केरल से केदार कच्छ से कामरू तक जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं सब कुछ छोड़ करके, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है कि कार्यकर्ताओं का स्नेह और राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने स्नेह दिखाते हुए और मुझे इस प्रकार के दायित्व देने का जो मेरे ऊपर बड़ा ऋण किया है, मैं आज कृतज्ञ हूँ और इस सीट को निकालने में पूरा प्रयास करूंगा। कार्यकर्ताओं को जो स्नेह है और अथक प्रयास करके हम बॉर्डर की सीट को निकालेंगे। स्वागत कैसा लगा पहली बार टिकट मिलने के बाद आप बाहर में रहे? हजारों की संख्या में इन कार्यकर्ताओं का असीम स्नेह को देख करके मुझे लगता है बड़ी जिम्मेदारी है इन कार्यकर्ताओं की आप पर। निश्चित रूप से इन कार्यकर्ताओं का स्नेह सब मिलकर के हम पार लगाएंगे, सीट को जीतेंगे। अमीन खान बड़ी चुनौती है क्योंकि वो लगातार 40-50 सालों से राजनीति कर रहे हैं, इस बार उनका समीकरण है जबरदस्त तरीके से है। ये 10वां चुनाव है और हारने की बारी है, हारने की बारी, चुनाव है हारने की बारी है, वो खुद कहते हैं कि उन्होंने एक जगह कहा भी है कि मेरी हारने की बारी है, 10वां चुनाव है और इस बार पक्का हारेंगे। नहीं तो इस बार क्या लग रहा है 5 सालों में अमीन खान साहब ने क्या क्या कामकाज किया, क्या कुछ किया? देखो, राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ने और विधानसभा स्तर पर अमीन खान ने SC ST को गालियां देना, महिला को गालियां देना, जातिगत टिप्पणियां करना, किसी को कुत्ता कहना, किसी को कचरा कहना और किसी को किन्नी कुम कहना, पर SC ST महिलाओं के प्रति ऐसी टिप्पणियां करना कि मैं मेरे मुंह से कह नहीं सकता, ऐसे बहुत सारे वीडियो भी चल रहे हैं। फिर उन्होंने संविदा पर बहुत सारे संप्रदाय विशेष के जो कर्मचारी लगाए हैं वो भी उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। फिर उन्होंने जगह जगह सड़कें और जल की लाइट की जो जहां व्यवस्था की है, केवल तुष्टिकरण के आधार पर व्यवस्था की है, वो भी सबके सामने है, जनता जान चुकी है। लेकिन वो कहते हैं कि 10-10 करोड़ रुपए एक-एक ग्राम पंचायत पर खर्च किए, विकास में कोई कमी नहीं रखी, घोषणा है, केवल घोषणा है, अच्छा अखबारों में है और वो कभी बोलते हैं तो चूक भी जाते हैं, गाड़ी भी निकाल देते हैं, आपने सुना होगा। नहीं, स्वरूप सिंह जी एक बात बताओ, आज भी मैं जहां पर सिम में जाता हूं ना, लोग पानी बिजली चिकित्सा इसके लिए तरसते हैं, क्या आपसे कुछ उम्मीद रखें? देखिए, सड़कें तो केंद्र की योजना से बन रही है, जल के लिए 28,000 करोड़ केंद्र ने राज्य सरकार को पैसे दिए, इंप्लीमेंट नहीं हो, पैसे पड़े हैं। डबल इंजन की सरकार बनते ही हर घर नल की योजना क्रियान्वित हो जाएगी। दीनदयाल योजना के तहत इन्होंने भेदभाव करते हुए विद्युत से जो घर वंचित किए, प्रत्येक घर विद्युत से लाभान्वित हो जाएगा, DNP की समस्या का समाधान हो जाएगा और गायों के लिए जो संकट है उसका भी निदान हो जाएगा और निश्चित रूप से जितने भी संकट है बिजली का निदान हो जाएगा, किसानों के लिए रबी की फसल में जो बिजली का संकट रहता है उसका भी निदान होगा। डबल इंजन की सरकार बनने से, केंद्र और राज्य में एक ही सरकार बनने से आपको भी पता है, व्यावहारिक बात है कि निश्चित रूप से विकास होगा। गिरिल का जो इलाका है वहाँ पर आज भी बेचारे लोगों के साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ, सपना तो दुबई का दिखाया था और हालत उनकी ये है कि लोग हैं सैकड़ों की तादाद में मरने की स्थिति में, कुछ सोचा है उसके बारे में आपने? हमने सब सोचा है, विधायक बनते ही देखिए आप कि जनता का जो अपार स्नेह है, बहुत सारी योजनाएं मुझे पता है, बहुत सारी जो योजना है हमने मैनिफेस्टो में लिया है, परिवर्तन संकल्प यात्रा के बाद में रथ आए हैं वो हम सारे मैनिफेस्टो में लिए हैं, मैनिफेस्टो के तहत सारी समस्याओं को निदान करें। पशुधन के लिए कुछ सोचा है? वहाँ किसान है, अकाल पड़ता है उस इलाके के अंदर, अकाल पड़ता है, ऐसी कुछ क्या सोचा है उसके बारे में, क्या फीडबैक है आपके बारे में? गाँव विश्व से मात्र है, वेदों में कहा है गाँव हमारी माता है, विश्व की सबसे बड़ी कल्याण करने वाली, उद्धार करने वाली है। गाय संकट में है, केवल बारिश के पानी पर और घास पर निर्भर है, निश्चित रूप से गाय के लिए केंद्र और
स्टेट की एक समन्वित योजना के तहत गाय के लिए बहुत बड़ा काम करने के मेरे मन में संकल्प है। खंगार सिंह जी से बातचीत हुई कल, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, बाकी भी लोग हैं, रविंदर भी है, वो भी ऐलान कर रहा है, उनसे बातचीत होगी कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे। पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, सारे परिवार के आदरणीय सदस्य हैं। खंगार सिंह जी ने पिछला चुनाव लड़ा, हम कंधे से कंधे मिला, कंधे से कंधे मिला, भी दावेदार थे, मैं भी दावेदार था। खंगार सिंह जी की टिकट होते ही मैंने तुरंत जाकर के उनको माला पहना करके 20 दिन की कैंपेनिंग में, रात को भी मैं उनके घर ही रहता था, 24 घंटे उनके घर रहता था, मेरी टेलीफोन पर बात हुई है। खंगार सिंह जी निश्चित रूप से एक बड़े भाई के नाते मुझे आशीर्वाद देकर के मेरे साथ हो जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप भी माला बनाने अभी जाएंगे? जाऊंगा निश्चित रूप से, मेरे बड़े भाई है, क्यों नहीं जाऊंगा, मेरे मार्गदर्शक है। रविंद्र से भी बातचीत करेंगे? मेरा छोटा भाई है, रविंद्र सिंह को मनाने की मेरी जिम्मेदारी है और उसको मनाऊंगा। आप देखिए ये तमाम लोग है, बड़ा जोश है। सरू सिंह का यही कहना है कि जिस तरीके से बगावत की बात आ रही है, चाहे वो खंगार सिंह है, खंगार सिंह ने जब 2018 का चुनाव लड़ा था तब मैंने उनका साथ दिया था, दूसरी तरफ आप देखिए रविंदर को लेकर भी स्वरूप सिंह खारा का सीधे तौर पर यही कहना है, वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसे मना लूंगा। दिनेश बोरा, बाड़मेर।